स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो चुका है, 30 मई को सारे पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे थे चल रहे थे वो आज उसका एंड हो गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का। चूँकि सीटें बहुत कम थी, लगभग टोटल सारे पोस्टों को मिलाकर जितने भी वैकेंसी सारे 550 के प्लस थी थोड़ी तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे वो था जूनियर सुपरिटेंडेंट। जूनियर सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट था उसमें अप्लाई किए थे दोस्तों। तो मैं इसी का सबसे ज़्यादा जो है तो मैं जूनियर सुपरिटेंडेंट का ही मैं कट ऑफ बताऊँगा, कितने क्वेश्चन थे, कितने टोटल पोस्ट हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट में, उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, गुड अटेम्प्ट कितना है और कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कट ऑफ 2019, पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट का वो 155 सीट है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है दोस्तों जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए। और जैसा कि एग्ज़ाम पैटर्न में जैसा कि प्योर एकदम बैंकिंग लेवल का था PT एग्ज़ाम, तो जो बैंकिंग का जो तैयारी कर रहे थे IBPS या फिर SBI का, उनके लिए बहुत ही इजी रहा होगा ये एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी कुछ जो सेक्शन थे जैसे मैथ थे वो कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो इजी दे दिए थे, लेकिन फिर कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव था तो उसमें थोड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों। फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको कि टोटल पोस्ट समझ गए, जूनियर सुपरिटेंडेंट का 155 था ऑल ओवर सीट। तो और एग्ज़ाम में क्या आया था, पहला सेक्शन था इंग्लिश लैंग्वेज का, तीन सेक्शन था, तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम अलॉट किया गया था सेपरेट। तो इंग्लिश लैंग्वेज इजी रहा, यहाँ पे गुड अटेम्प्ट आपका 25 क्वेश्चन गया, 30 क्वेश्चन था 30 मार्क्स का जिसमें गुड अटेम्प्ट आपका 25 लगभग गया है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा सेक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन दे दिया था जो इजी था, और उसके बाद जो फिर था कुछ क्वेश्चन वो कुछ कैलकुलेटिव था, तो उसके आधार पे यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकन लग गया छात्रों को, इसलिए यहाँ पे गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 20 गया दोस्तों। तो मैथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट में गया है। उसी तरह जो तीसरा सेक्शन था रीजनिंग एबिलिटी का, इसमें भी साइलॉक्स का और जो कुछ और क्वेश्चन थे इक्वलिटी का वो क्वेश्चन इजीजी थे, तो 5-10 क्वेश्चन वहाँ पे इजीजी दे दिया गया था, और कुछ जो था सिटिंग अरेंजमेंट से था, फ्लोर वाइज भी था, तो वहाँ पे इजी कर करके इसे गुड अटेम्प्ट इसमें सब लोग 25 लगभग एक्यूरेट सही किए हैं एवरेज। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन में 25, क्वान्टिटेटिव में आपका 35 में 20, इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन था जिसमें 25 गुड अटेम्प्ट में गिना जाएगा एवरेज। तो टोटल हो गया 25, 50, 70, यानी गुड अटेम्प्ट जो भी 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा और उनका सिलेक्शन पक्का कहा जाएगा। तो चलिए कट ऑफ, चूँकि यहाँ नेगेटिव भी था 0.25, यहाँ पे नेगेटिव था एक क्वेश्चन गलत पे, 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो लेकर चलिए एक दो क्वेश्चन, एक दो में सबका गलत हो ही जाता है एक्चुअली में, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जितना सॉल्व करते हैं वो पूरा का पूरा उनका सही होता है। तो फिर भी गुड अटेम्प्ट में आपने देख लिया 70 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कट ऑफ का, तो यहाँ पे कट ऑफ जनरल और OBC का लगभग सेम जाएगा, यानी अगर डिफरेंस भी होगा तो याद रखें 0.25 तक का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम जनरल का बात करें, जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जो जाएगा वो आप लेकर चलिए कि 69 नंबर यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जाएगा। उसी तरह OBC का अगर बात करते हैं तो OBC का जो मेरा कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 66 to 69 के बीच में, 60 to 69 के बीच में। अगर बहुत ज़्यादा संभव है, बहुत लोग अगर एग्ज़ाम जैसे दे रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्हें पता होगा कि JEE का भी, जूनियर इंजीनियर रेलवे वाला भी एग्ज़ाम साथ में चल रहा है, तो इसीलिए मैंने जनरल का रखा है कट ऑफ, जनरल का मैंने कट ऑफ रखा है 69, ये तो हर हाल में जाएगा ही जाएगा, और OBC का मैंने रखा है 66 to 69 कट ऑफ,
यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जेई को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए हैं। अगर उनका दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन मैच कर रहा था तो उन्होंने जेई का ही एग्ज़ाम दिया है 100%। और जो बैंक वाले ज़्यादातर थे वो अपना बैंक का एग्ज़ाम यहाँ पे उनके लिए बहुत ही इजी रहा, इसीलिए मैंने जनरल ओबीसी का कट ऑफ बताया है। SC ST का जो कट ऑफ है, तो आप SC का जो कट ऑफ जाएगा वो, SC का मैं बात करता हूँ, तो SC का जो कट ऑफ है वो SC का कट ऑफ आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा तो हाई यहाँ जाएगा, यहाँ आपका 62 नंबर जाएगा, और ST का जो है वो 60 के पास अराउंड रहेगा, क्योंकि सीट बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तो कट ऑफ भी हाई जाएगा दोस्तों। तो आपने देख लिया कि कट ऑफ क्या रहेगा। आज जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और जिनका एग्ज़ाम टैली कर गया था JEE से और CWC से, तो वो भी कमेंट करके बताएं कि उनका एग्ज़ाम टैली कर गया था तो उन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, और जिन्होंने CWC का एग्ज़ाम दिया है वो भी बताएं कि क्या ये कट ऑफ आपके अराउंड क्या लगता है, आपको कितना जाना चाहिए, जो मैंने वीडियो बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि यही कट ऑफ जाने वाला है, या फिर आपका राय क्या है, आपके राय में कितना कट ऑफ जाएगा, ये भी कमेंट करके आप बताएं कि CWC का कट ऑफ कितना जाएगा जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी जो भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।